हे गाइस, दिस इज शर्मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और अभी दोपहर के बज रहे एक, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ व्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि भाई आज सुबह मैं थोड़ा काम करने लग रहा था। जो बाहर वाला कूलर है अपना लोहे वाला, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि भाई बाहर का कूलर है धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो मिट्टी बैठ गई थी, तो मैंने सोचा आज इस काम को आज ख़त्म करते हैं। तो मैंने वो कूलर भी साफ़ कर दिया और साथ के साथ फिर जो अपना अंदर वाला है प्लास्टिक वाला, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि भाई ये भी काफ़ी दिन हो गए थे। तो भाई इसमें तो वैसे धूल मिट्टी नहीं जाती, पर हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, कीड़े वीड़े ना हो जाए, इस वजह से भाई मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। तो दोनों साफ़ कर देते अच्छी तरीके से, और बस अभी शाम वाम को पानी भर देंगे दोनों कूलर में मस्त ठंडा ठंडा, क्योंकि भाई धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो पहले थोड़ा सा पसीना सुखाया, पानी वानी पिया, फिर व्लॉग को स्टार्ट कर दिया। और अभी आपको व्लॉग में कन्हैया की आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि भाई ये वो अभी नीचे जा रखा है अंश के पास, क्योंकि भाई आज कन्हैया स्कूल से जल्दी आ गया था, क्योंकि भाई आज है टीचर्स डे, तो इस वजह से आज उसका हाफ डे था। और मेरे हिसाब से सभी स्कूलों का आज हाफ डे है। मैं जब कन्हैया को लेने जा रहा था ना, तो सब काफ़ी स्कूलों के बच्चे मुझे दिखे जिनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो आज तो इतने आप जाके एक काम जैसे करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, साइड में बेल आइकन का रहा है उसको भी ऑल पे कर दो, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये काम जैसे करना और व्लॉग के लिए लाइक करना बनता है, जल्दी जाके दबा दो, क्योंकि भाई आज बहुत दिन के बाद ये सब मैं बोल रहा हूँ। और आप सोच रहे हैं भाई कहाँ रहता है, भाई थोड़ा सा पेपर वेपर आने वाले तो उनका भी थोड़ी बहुत देखना पड़ता है, तो इस वजह से कभी जब टाइम मिलता है तभी व्लॉग बनाता हूँ मैं भी। तो आज मेरे पे थोड़ा टाइम था तो मैंने आज व्लॉग बना दिया है। पहले एक बार ना कन्हैया को देख लेते कि क्या कर रहा है वो नीचे, क्योंकि भाई मम्मी भी नहीं है और नीचे चाची भी नहीं है, वो जा रखे थोड़ा सा बाहर राशन लेने के लिए, और नीचे बस खाली अंश और कन्हैया ही है। अभी तो ऊपर ही था वो, अंश के पास नीचे भाग गया। ओ तेरी, कहाँ पे है कन्हैया? तो भाई यहाँ पे तो अंश तो सोने लग रहा है, क्योंकि भाई ये सुबह गया था पार्क में, तो इस वजह से इसको भी नींद आ गई। और कन्हैया कहाँ पे है ये देखो, इसने ये पक्का उसी का काम है, दोनों फोल्डिंग ना देखो कैसे गिरा रखे हैं इसने, इनके नीचे ही बैठा होगा पक्का ये। ये देखो, अबे तेरे को यहाँ गर्मी नहीं लग रही? इनको इनको छुप में बैठा है, मत कर ऐसे। ये देखो क्या करता रहता है ये, चोट मत लगवा लियो तो इसमें। आज जैसे कि आपको पता है कि सभी स्कूलों में सभी बच्चे बड़ी क्लासों के जो होते हैं वो छोटी छोटी क्लासों को पढ़ाने आते हैं, तो ये भी बता रहा था कि मेरे इस क्लास में आज मेरे को एक मैडम आई थी और एक सर आए थे पढ़ाने, तो मैंने पूछा क्या पढ़ाया, तो वही अपना ABCD SNR का से कबूतर 1 2 3 4 ये सब है ना कन्हैया। तो अभी ये खेलने लग रहा है ना, अभी नहीं बताएगा। ये देखो क्या कर रहा है, और अंश तो अपना मस्त सोने लग रहा है। तो भाई मैं भी थोड़ा पार्क में चले जाता हूँ मेरा दोस्त के साथ, हम दोनों मस्त जाते हैं रनिंग करके आते हैं थोड़ा सा, उससे थोड़ी सही भी रहता है, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं और पूरा दिन सही रहता है फिर। और अभी देखो यहाँ खेल रहा था और अभी चद्दर में घुस गया। अरे मत कर यार, क्या कर रहा तू? तो अभी मैं आ चुका हूँ लेके राशन, ये देखो यहाँ पर रख दिया है, और अभी थोड़ी देर में मम्मी इनको डाल देगी इनके डब्बे में। और अभी हो चुका है खाने का भी टाइम, क्योंकि भाई दोपहर हो गई है ना, तो ये देखो खाना भी अपना आ गया है। ये रहा कन्हैया, ये तो वैसे कन्हैया का है, मैं तो पता है आपको मैं खाता नहीं हूँ दोपहर में, शुरू से नहीं खाता, मुझको आदत नहीं है। और बस अभी खाने का टाइम हो गया, खाते हैं और इसको भी खिलाते हैं, मतलब मैं नहीं खा रहा इसको खिलाऊँगा, क्योंकि भाई ये पता है ना आपको मेरे हाथ से ही खाता है, तो बस इसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। ये इसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है तीनों टाइम की, जब ये स्कूल जाता है तब तो नहीं, पर आप बीच में जैसे दोपहर में और शाम की तो मैं ही खिलाता हूँ, और मेरे हाथ से खाते हैं और किसी के हाथ से खाता भी नहीं है, कोई और खिलाएगा तो नहीं खाएगा, अगर मैं नहीं होता तो भाई बात अलग है, वरना मैं घर पे हूँ तो मेरे से ही खाएगा ये। तो चलो बस इसको खिलाते हैं। अभी गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और यहाँ पर मस्त अपना कन्हैया सोने लग रहा है, और अभी इसको उठाने के लिए आया हूँ मैं, वरना कब तक सोता रहेगा, 5 तो बज गए हैं, वरना रात को नींद नहीं आएगी। और वैसे भी है ना ये थोड़ा लेट ही सोया था और खेल रहा था ये अपनी राखी से, और मैं इसकी राखी दिखाता हूँ कैसी है। ये देखो ये है इसकी राखी डोरीमोन वाली है ना, और ये देखो लाइट भी जलती है। तो इसने है ना स्पेशली कहा था कि भाई मेरी राखी है ना लाइट वाली ज़रूर लाना, पर इसने थोड़ी देर के लिए बांध दी मेरे सबसे एक दिन, फिर भाई ये इतनी बड़ी है ना हाथ पे एक तो चुभने लग जाती है जैसे सोते समय और बहुत सारी दिक्कत करती है, तो फिर खोल ही दी थी हमने, तो बस अभी लाइट के लिए काम आई है। देखो लाइट मस्त रेड और ब्लू कलर की जलती है इसमें, और अभी 5 बज गए ना, तो ऊपर चलते हैं अपना चादर वो भी हटाना है भाई।
और अभी भाई मैंने जैसे ही गेट खोला ना, तो मस्त एकदम से हवा का झोंका आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बढ़िया चल रही है। देखो आपको पता चल रहा होगा झंडे से, तो बढ़िया हवा चल रही है और थोड़ा मौसम भी है ना अजीब सा हो रहा है। देखो बादल कैसे हो रहे हैं वहाँ पे, देखो एक बार कैसे हो गए हैं बादल, और सूरज की किरणें आपको अलग से ऐसी दिखेगी निकलती हुई। तो यहाँ पे बादल ज़्यादा आ रहे हैं, वरना थोड़ा ऐसा लग रहा था मेरे को तो बारिश का मौसम हो रहा है, पर बारिश का तो नहीं हो रहा है, ऐसे ही बादल आ रखे हैं वाइट वाइट, और वो यहाँ भी बादल अच्छा खासा आ रखा है, तो शायद बारिश भी हो सकती है। वो ये ना बादल जुड़ जुड़ के काफ़ी बड़ा बादल हो सकता है और फिर बारिश हो सकती है। तो और ये देखो अपनी चादर लगी हुई है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी धूप कम हुई है, वरना सुबह तो भाई अच्छी खासी धूप थी, अभी तो थोड़ी बहुत कम हो गई है। कम क्या मतलब पूरी तरीके से जा चुकी है, देखो कहीं भी धूप नहीं है। उस तरफ के एरिया में होगी अब धूप, क्योंकि भाई यहाँ तो पूरा हमारा इस तरफ ना बादल आ चुका है, तो यहाँ की तो पूरी धूप गई। चलो भाई हटा देते हैं अपने लगे पड़े हैं, और ये तो है ही अपना पूरा, देखो कैसा एक बार निकलता हूँ मैं इसमें से, देखो कैसा बिल्कुल इसके अंदर घुस के ना खड़े होने की जगह बस यही है, यहीं पे खड़े हो सकते हैं, बाकी तो भाई कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते, वरना सिर अड़ जाएगा। यहाँ तो पूरे तरीके से मैं खड़ा हूँ, बैठा नहीं हूँ, सही अच्छे की तरीके से मैं खड़ा हूँ, और देखो अभी भी मेरी हाइट से कितनी ऊपर है, देखो दिख रहा है ना, तो यहीं पे खड़े हो सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे चेयर लगी हुई है, चेयर में आप बैठ सकते हैं। ये देखो मैं यहीं बैठ के कभी कभी है ना हवा जब बढ़िया चलती है ना तो यहीं बैठ जाता हूँ। और यहाँ से तो बिल्कुल झुकी हुई है, यहाँ से तो बस कन्हैया ही निकल पाएगा, और यहाँ पे पूरी तरीके से खड़े हो सकते हैं। चलो भाई इसको हटा देते हैं अब। और ये देखो गुड़हल का हमारा एक फूल खिला हुआ है, बढ़िया कलर का भी है अपने पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाइट कलर वाला है ना ये वाला है, इस पे गुड़हल जब भी आता है ना व्हाइट आता है मेरे सामने, दो बार तो आ चुका है। ये देखो दो कलियाँ हैं, और जब भी आएगा ना इस पे व्हाइट ही आएगा। एक यहाँ भी खिला हुआ है गुड़हल का। लो भाई मैंने चादर तो हटा दी है, और जहाँ पे वो लगती है वहाँ भी मैंने फिट कर दिया है, और एक नया पेड़ दिखाता हूँ जो पाजी ले गए थे, तो वो ये है। ये देखो लग रहा है ना मस्त, और कैसे फूल आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कनियर का होता है ना, येलो वाला कनियर का जो फूल होते हैं ऐसे है उसका, बस छोटा वर्जन, वो भी ऐसे ही होते हैं। और ये मस्त लग रहा है, पता नहीं नाम तो पता नहीं है कौन से है, पर हाँ बढ़िया है, फूल इसमें आते ही है, डेली आते हैं, और कल भी कितनी सारी कली मुझे दिख रही है कि खिलेंगी। और ये वाला पेड़ है देखो मस्त लग रहा है, और हवा भी बढ़िया चल रही है, अभी भी चल रही है हवा, और थोड़ी बहुत अब धूप आ गई है। और अभी देखो कबूतर उड़ते हैं, और ये देखो क्या करा है, यहीं पे ही उड़ते उड़ते हमारी चादर पे कर दिया। अब इसको साफ करना पड़ेगा, आप भी सोचोगे क्या दिखा रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ क्या दिखा रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो फिर भी। तो इसको साफ कर देंगे एक दिन उतार के, मेरे सबसे तो जब ये उतरेगी ना तभी साफ होगी, ऐसे तो कैसे करेंगे, कहीं से रास्ता ही नहीं है, वहाँ से भी नहीं जाएगा हाथ, यहाँ से भी हाथ नहीं जाएगा, उतर के ही होगी, तो जब ये उतरेगी शायद तभी साफ होगी। अब तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है अगला दिन, कल मैं थोड़ा लेट हो गया था और चला भी गया था कहीं पे, तो इस वजह से कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो अभी कर देते हैं। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मस्त अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो गया है, और वैसे आज कन्हैया स्कूल में गया है कन्हैया बनके, तो वो कन्हैया तो कन्हैया बनके गया आज वो स्कूल में, तो उसका जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा है स्कूल में। तो कल रात को उसकी आई थी ड्रेस वही अपनी कान्हा जी वाली, तो वो आज पहन के गया है फुल बांसुरी लेके और मुकुट लगा के, और जो हाथ में जो बांधते हैं वो सब लगा के जा रखा है वो स्कूल में। मैं तो बेसिकली पार्क में जा रखा था, मैंने तो उसे देखा ही नहीं कैसा बन के गया था वो, कैसा उसने मतलब क्या मेकअप करवा के गया था वो। तो अभी चलेंगे स्कूल में उसके और लेके आएंगे, क्योंकि भाई स्कूल की छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, और अभी जा रहे हैं बस, थोड़ी देर में निकलेंगे और लेके आएंगे उसको, और पूछेंगे कि आज क्या क्या हुआ और क्या क्या मैडम ने करवाया डांस और क्या क्या हुआ। तो गाइज मैं लेके आ चुका हूँ कन्हैया को स्कूल से, और ये रहा अपना कान्हा जी आज के, ये देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है इसकी ड्रेस, और यहाँ पे बने हुए हैं कान्हा जी भी, और इसका मेकअप देखो एक बार, मेकअप किसने करा था ये, मम्मी ने और मर्चा दीदी ने। अच्छा, और मेकअप देखो इसका तगड़ा लग रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी ऊपर, और पूरा मुकुट देखो इसका भाई साहब, और ये हाथों पे भी बंधा हुआ है, और नीचे तो राखी है, और यहाँ भी है, और ये माला, ओ तेरी माला भी पहन रखी है इसने, देखो कृष्ण जी की माला पहन रखी है, तो बढ़िया लग रहा है, मस्त बन के गया था आज ये। और काफी बच्चे आए थे कन्हैया आज बन के, हाँ। हैं, और राधा भी काफी आए थे, हाँ। तो मजा आया आज, और क्या डांस भी हुआ था कुछ, हाँ।
मैडम ने कैसे कैसे बोला? अच्छा वो छोटी छोटी गई या छोटे छोटे हैं उसपे? हाँ। एक बार करके दिखा दूंगा कैसे छोटी छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन है। और बांसुरी कैसे बजाई थी? बांसुरी कैसे बजा के दिखा एक बार। ओ तेरी मैडम क्या कर मतलब बच्चे भी डांस करते सब बच्चे कर रहे थे स्कूल में ना बहुत तेज बच्चे कभी अच्छा। कभी भी आई थी राधा बन के नहीं वो गाना गई थी इसका राधा बन के। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये है लिटिल कृष्णा। और ये और हाँ वो ये कह रहा था मेरे को माखन भी खाया मैंने। माखन भी खाया था मिला था ऑफिस में। हाँ देखो पूरा अच्छी तरह तो मिश्री खाली। हाँ मैंने पकड़ लिया तो खाने को ये क्या क्या खाया? मक्खन खाया। ओ तेरी और मिश्री भी ये क्या करा उल्टी कर दी। अच्छा अच्छा लगा ना मक्खन खाना चाहिए बढ़िया है। कान्हा जी तो मक्खन खाते थे ना है ना। और अभी जब मैं इसके स्कूल में गया था ना तो काफी बच्चे आ रखे थे कान्हा जी बन के राधा भी और क्या बोलते हैं प्रोग्राम भी होता मतलब डांस भी कर रहे थे बच्चे और मजा आ रहा था देख के। मैं तो थोड़ा जल्दी चला गया था इस वजह से कि भाई थोड़ा अगर फंक्शन वंक्शन या प्रोग्राम हो रहा होगा तो थोड़ा देख लेंगे। हाँ भाई बच्चे करने लग रहे थे डांस और पर ये छोटे बच्चे हैं ये इनका तो डांस नहीं था इनका तो क्लास में कर रहे थे। वैसे जो बड़े बच्चे थे सेकेंड फर्स्ट में उनका डांस वंस हो रहा था। नहीं सेवन्थ तो बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं सेवन्थ के नहीं छोटे बच्चे। सेवन्थ का तो वहाँ पे जिसमें हम टॉयलेट जाते हैं ना वहाँ पे है। अच्छा सेवन्थ की क्लास वहाँ पे है। और अभी ये साथ में है ना अपने साथ लेके आया भाई कान्हा जी तो वैसे मक्खन खाते थे पर ये खाने लग रहा है यहाँ पे किंडर जो है। तो मैं इसका ये लिया था मैंने कहा भाई आज इसका किंडर जो है दुलाते हैं इसको तो बस रस्ते में से हमने किंडर जो है ले लिया और मस्त अभी खाएगा अपना। और जो डांस करते हैं यहाँ पे एक और डांस करके दिखा दे छोटे छोटे छोटो सो मेरो छोटो सो अरे अरे ढूंगा भी मार रहा है ढूंगा कैसे मारते है छोटे छोटे गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो और इसने डांस करके दिखाया और ऐसे इसके क्लास में डांस होगा। और अभी मैंने देखा है जैसे ये बाइक पे सोच रहा था मैंने देखा भाई साहब इस तो ये देखो इसने अपनी धोती कहीं स्कूल में ही फटवा के लिया है डांस वांस कर रहा होगा तो गिर गया होगा और धोती इसकी थोड़ी सी फट गई है। कोई दिक्कत नहीं सिलाई लगा देंगे और सिल जाएगी मस्त। चलो भाई अब किंडर जो है फिनिश दम करते हैं ना अनबॉक्सिंग फॉर किंडर जो है। ओ तेरी ये भी लाया है मुझे लगा ये जो इसका था ये राधे राधे वाला ये गले में डालने का था पर यहाँ पे बंद के तो और मस्त दिख रहा है यहाँ पे। और हाँ कन्हैया ये ना उस दिन भी पहन लियो जिस दिन जन्माष्टमी होगी जब मंदिर तू देखने जाएगा ना सब पहन के जाओ ठीक है सब बच्चे आएंगे पहन के है ना। चलो भाई अभी इसका किंडर जॉय का टाइम हो रहा है तो इसको किंडर जॉय खिला देते हैं और ऐसे करते एक बार आशीर्वाद दे दे सबको। नहीं ऐसे 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 हाँ तो भाई ये इसका आशीर्वाद दे रहा है सभी को आज का हमारे कान्हा जी यही है। चलो भाई अभी अपने कपड़े बदलेगा मुँह हाथ धोएगा फिर अपना आराम से किंडर जॉय खाएगा। अभी दोस्तों कन्हैया ने अभी अपने कपड़े बदल लिए हैं और अपने जो वो लाया था ना किंडर जॉय तो वो भी उसने फिनिश डैम कर दिया है। और चलो व्लॉग कैसा लगा है लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे एक बटन दिख रहा होगा सो दबा के जल्दी जाके मेरी फैमिली में मंजम से जुड़ जाए मज़ेदार और अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल USJ लाइव व्लॉग्स में। ये काम जो शेयर करना और एक बार ज़रूर से कमेंट में लिख देना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ये जाके जरूर से लिख देना कमेंट में मैं चेक करूँगा। चलो बस जल्दी मिलेंगे एक नए वालों के साथ मज़ेदार वालों के साथ तब तक के लिए बाय।